आज हम रानी ब्लॉक के गांव के अंदर है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने यूएनडीपी के साथ मिलके हमने यूएनडीपी को फंडिंग कर रखी है। हम यहां पे एक प्रोजेक्ट चलाते हैं जिसमें तकरीबन 13 से 15 विलेजेस को हम ओवरऑल जो गैप एरियाज हैं उनको फिल करते हैं, चाहे वो सैनिटेशन के हैं, चाहे हेल्थ के हैं, चाहे ड्रिंकिंग वाटर के हैं, चाहे एजुकेशन के हैं। तो आज जो है इस दौरान में, हालांकि पहले हमारा ऐसा कोई प्रावधान नहीं था इस प्रोजेक्ट के अंदर, लेकिन हमने इसी प्रोजेक्ट के अंदर इस दौरान में कोरोना क्राइसिस की वजह से, जैसा एक्सपर्ट बोलते हैं कि जो डेली वेजर्स हैं उनके साथ खाने की दिक्कत आ सकती है, तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ने हर एयरपोर्ट पे हमने कम से कम 10-10 टन जो है राइस डिस्ट्रीब्यूट किया है और उसे और भी हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। और हमने ये तय किया कि कम से कम 1000 फैमिलीज एयरपोर्ट के आसपास, और ख़ास तौर पे यहाँ पे हमारा जो एडॉप्टेड रानी ब्लॉक्स के विलेजेस हैं, हम उनको खाने की सामग्री दें जिससे कि वो इस क्राइसिस से स्मूथली बाहर आ जाएं और बहुत ज़्यादा उन्हें प्रॉब्लम ना हो। तो हमारा टारगेट है कि यहाँ पे 1000 फैमिलीज को हम कवर कर दें। आज हम जिस विलेज के अंदर हैं यहाँ पे ज़्यादातर लोग जो है डेली वेजर्स ही हैं, और आज लेबर डे भी है, तो हमने आज के दिन जो है ये निर्णय लिया कि इस जगह पे हम जो खास तौर पे जो डेली वेजर्स हैं, लेबर्स हैं, उनको हम 100% कवर करें। इसके अंदर CRPF हमारी पूरी सहायता कर रही है उसको डिस्ट्रीब्यूशन करने में, और लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन है, लोकल पुलिस है, वो भी हमारी हेल्प कर रहे हैं। और UNDP के साथ मिलके हमने बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से बेनिफिशरीज की इन्होंने लिस्ट बनाई हुई है, एक एक करके सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके वो उनको बुलाते हैं और पर्ची एक इशू होती है, और यहाँ पे एक पैक दे रहे हैं जिसके अंदर राइस है, दाल है, ऑयल है, इस तरीके की चीज़ है जिससे कि एक परिवार का हफ्ता 10 दिन 15 दिन का जो है खाना कम से कम चल जाए।